हे गाइस, गुड मॉर्निंग। चैनल आपका फिर से स्वागत है। तो सुबह के 3 बज रहे हैं और आज की सवारी रामनगर जिम कॉर्बेट के पास क्यारी गांव के लिए चल रही है। और इस ट्रिप में इस बार फैमिली नहीं है, मेरे कुछ साथी हैं। तो चलिए मिलाता हूँ एक से, इनको देखते ही आप पहचान जाएंगे अगर आपने हमारा पुराना वाला अलवर वाला ऑफ बीट प्लेस वाला वीडियो देखा होगा तो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं क्यारी गांव। और क्या गांव है भाई, वो क्या गांव है, आप एक बार जाओ देखो, पता चलेगा। एकदम जंगल का फ्रंट में ही है, बहुत मजा आएगा। चलिए आपको अपडेट करते हैं। सो 5:30 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बाबूगढ़ के पास। अगर आप देखोगे तो ये है शिवा ढाबा मामा यादव। बस सुबह सुबह चाय पीने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ आओ, चाय जरूर पियो, मज़ा ही आ जाएगा। और दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप ओवर। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप ओवर मारेंगे ब्रेकफास्ट के लिए अराउंड 9:30। तो ये हमारी टीम में सारे के सारे, चले मिलाता हूँ सबसे। तो विकास, आप ऑलरेडी मिल रहे हैं। नवीद भाई, हाय, दिस इज नवीद। विकास भाई, नितिन भाई। तो आज हम जा रहे हैं गदर करने वहाँ, ठीक है। चलिए कीप यू पोस्टेड, बताते क्या क्या करेंगे हम।
16-17 किलोमीटर हो गए। तो यहाँ पर हम रुके हैं द फूड फॉरेस्ट। तो बस 9:17 हो चुके हैं और हम लोगों ने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट लिया है, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद अब सीधा गाड़ी चलेगी क्यारी गांव के लिए। और बीच में मैं आपको उतर कर बताऊँगा कौन सा रास्ता आपको लेना है। तो बेसिकली क्यारी गांव के लिए हमें रामनगर क्रॉस करके कॉर्बेट ना जाके उससे पहले राइट मोड़ना है कोसी बैराज की तरफ। कोसी बैराज से निकलोगे तो वहाँ से 3.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट रास्ता दिखेगा, उसके अंदर जाना है। तो विल शो यू, चलिए चलते हैं। रामनगर अभी क्रॉस कर रहे हैं, और रामनगर आपको पता ही होगा इस गेटवे ऑफ ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एज वेल एज ये गेटवे है कुमाऊं हिल्स, जो नैनीताल और जितने भी भीमताल एरिया, तो कुमाऊं हिल्स जितने भी है यहाँ से 70 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है, तो उसका भी गेटवे रामनगर को कहा जाता है। और अभी ये हम क्रॉस कर रहे हैं कोसी बैराज, और कोसी बैराज के पार करते ही लेफ्ट राइट लेंगे हम। राइट लेने के बाद 3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट क्यारी गांव। तो ये है क्यारी का कट, अगर आप देखोगे तो ये आपका रामनगर कालाडूंगी हाईवे है, और यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट लेकर इस रोड पे चलेंगे, और इस रोड पे देखना क्या ऑसम व्यू। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए दोस्त, हम लोग आ चुके हैं अपने ऊपर से गेस्ट हाउस के पास, और वी आर इन क्यारी गांव नाउ। तो ये नवीद, विकास, विकास भाई, नितिन, इसमें पानी आती थी यार, पानी पता नहीं कैसे बंद हो गया। और ये रास्ता है, ये जंगल से अगर आप सीता बनी रूट को पकड़ते हो तो इधर से आप एग्जिट होते हो। तो हम लोग बिल्कुल सामने रुकेंगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं क्यारी, और देखो क्यारी में हम लोग चल दिए हैं नेचर वॉक करने, और ऐसे ही 1.5-2 किलोमीटर पैदल पैदल चलेंगे, नदी जाना है, वहाँ नहा के आना है, बस ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। पीछे देखो 1, 2, 3, 4 लोग हैं, आगे 2 चल रहे हैं, आगे हमारे बिहारी बाबू, हाँ आगे हमारे बिहारी बाबू चल रहे हैं, तो टोटल 6 लोग हैं। और दिखाता हूँ आगे का रूट, दिखाता हूँ, रिवर साइड ही लंच बनेगा, हाँ रिवर साइड लंच बनेगा, नितिन भाई बोल रहे हैं। नवीद भाई कुछ बोलना है आपने?
कोई ज्ञान? फिलहाल तो ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर ब्यूटी, बट डेफिनेटली अ प्लेस वर्थ एक्सप्लोरिंग। ग्रेट, थैंक यू। विकास भाई बोलो। विकास भाई कुछ बोलना। अरे सर मजा आ गया यार, आप ऐसी जगह ले आए, मतलब एक अलग ही, मतलब एक अलग ही आपने नेचर का मजा दिलवा दिया हमें। क्या बात है, क्या बात है। मैं थोड़ा देख के चलेगा, सांप वहां भी आ जाते हैं। तो देख रहे हो भाई सर, तो ये है फीडबैक। चलो, क्यारी गांव इज फेमस फॉर कोबराज। हाँ, क्यारी गांव इज फेमस फॉर किंग कोबराज। नहीं नहीं, कोबराज वी आर द किंग ना। यस यस ऑब्वियसली। और हम उम्मीद करते हैं हमें कोई दिखे ना। हमें कोई दिखे ना, हमें गुस्सा आ जाता है वो। चलो जी, आई विल कीप यू पोस्टेड। ये देखो दोस्त, व्यू देखो नीचे बॉक्स का। ये हम बिल्कुल जंगल के बगल बगल चल रहे हैं, हमारे विकास भाई आगे आगे चल रहे हैं। विकास भाई कुछ बोलना आपने? आइए आपको और दिखाते हैं, अच्छा सुरंग दिखाते हैं। सुरंग भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, विकास भाई ने बोला है। पैसे तो नहीं लोगे? ना ना, पैसे नहीं। अच्छा, रॉयल्टी 1% बोला था यार। ये देखो, देख रहे हो कितना खतरनाक रास्ता है भाई साहब। सुनो भाई, क्रिकेट्स का आवाज़ सुनो। सुन पा रहे हो कुछ? ये देखो अब हम कहाँ जा रहे हैं, ये देखो। ऐसे उतर उतर के जा रहे हैं, देखिए। और देखो भाई साहब यहाँ, ये देखो किस तरह की कैसे और ये तो चुके बंद था जब ये चल रही थी, तो और ये नदी अंग्रेजों का बनाया हुआ। सही बात है। ये देखो भाई कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट में नदी, राइट में कैनाल, कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा। ओहो, सी द ब्यूटी। इस कैनाल का फ्लो को इधर घुमा गया और देखो फ्लो, देखो इधर देखो, और चूंकि इसको रोका गया यहाँ पर, तो ये देखो पानी का क्रोध। लुक एट दैट ब्रो, देख पा रहे? ये देखो, ये देखो कैनाल में किस तरह से पानी आ रहा है, फ्लो देखो पानी का, देख पा रहे? तो भाई अब हमें ये पानी क्रॉस करके जाना है। ये देखो, आह हा हा, पानी बहुत ठंडी है यार, गर्मी ज़्यादा है। ये देखो सारे जा रहे हैं, स्लिप करोगे। ये देखो, ये इस तरफ से पानी आ रही है। जी जी, एक आधा फोटो तो ले ले यार। ये देखो, फोटो ले लो। ये देखो, हेलो, कैसा लग रहा है बॉस? दिस इज हेवन। विकास भाई बहुत जबरदस्त। एग्जैक्टली विकास भाई, अरे मजा आ गया, गजब मजा आ गया। विकास भाई सेल्फी ले रहे हैं यार। विकास भाई, विकास भाई सेल्फी ले रहे हैं, हमें भी आना होगा सेल्फी में। बट ये देखो यार, देख पा रहे हो? मजा आ गया, मजा आ गया ना। तो आपने भी इधर आना है, उससे बच के, ठीक है? अगर आना है प्लीज़ डू कमेंट मी। ये देखो बस, नदी क्रॉस करने के बाद का व्यू, ये जंगल जंगल के अंदर से जा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड नेचर वॉक। और ये था विनोद भाई। सो विनोद भाई, ये जो पानी आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाके एक सीतावरणी टेम्पल है, वहाँ पर एक माउंटेन बना हुआ है, वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ से उसके नीचे से पानी निकल कर आता है वहाँ। अच्छा, वो पहाड़ों से होता है, वो रिश्ता हुआ होते हुए निकलता है। और दूसरे में इसमें बीच में छोटे रिवर भी है जो माउंटेन से निकलती है, वो भी इसमें मिलकर आती है। और इस रिवर का नाम खिचड़ी रिवर है। कौन सा रिवर है? खिचड़ी रिवर। खिचड़ी रिवर, इसीलिए इसे खिचड़ी बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे नदियाँ, छोटे रिवर के स्रोत वो मिलके आई है इसमें। Thank you.
हाय गाइस, अभी हम लोग हैं मुकुल होम स्टे में। जैसा दिन का हमने एंजॉय किया, उसके बाद अब शाम की बारी आ गई। तो शाम में क्या कर रहे हैं अमित भाई? कुछ बना रहे हैं और हमारा मूड हुआ यहाँ पर कुछ चिकन के कुछ आइटम बनाते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी अगर आप यहाँ आते हो तो। और अभी अमित भाई कुछ बना रहे हैं, आपको पता ही है कि वो कुकिंग के बहुत शौकीन भी हैं। तो अब अमित भाई आप कुछ बोलोगे, आप बनाओ कुछ। तो आज हम करते हैं सर फ्राइड चिकन करते हैं। अच्छा चिकन आपको खिलाते हैं यार, बेहतरीन। खुद से बना के, खुद से बना रहे हैं हम। मुकुल होम से हैं बैठ के, और हमारे साथ बैठे हुए शंकर भाई, हमारे साथ बैठे हुए हैं विनोद भाई। ये बताएंगे, ये सारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको केवल बताऊंगा कैसे इसको तैयार करना है, और तुरंत तैयार होगा भाई, देखना कितना मजा आएगा। और हमारे साथ नवीद भाई भी है, तो जोड़ेंगे इसमें। करना क्या है नवीद भाई? मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये बनेगा मैं खाऊंगा। इसमें हमने डाल दिया है जिंजर एंड गार्लिक, और इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं प्याज। देखो यार, प्याज है 3। बहुत बढ़िया है ना। तो ये लो गई 3 प्याज तेल के नीचे। टमाटर अभी नहीं डालनी, ठीक है जी। अब इसको हम करेंगे फ्राई। And तो this facility is only available in Mukul Homestay. Guys, you should subscribe and you should know the facility about the Mukul Homestay. तो ये हमने इसको ऐसे ऐसे हिलाया बहुत जोर से, and then हमने डाल दिया टमाटर। और हमने विनोद भाई से पूछा, विनोद भाई हमारे पास दही है क्या? है सर, दही। दही दे दीजिए सर, कुछ नहीं करना इसमें। चिकन बनाना बहुत ही इजी है, हमारे पास भाई दही आ गई। हमने ऐसे पोर कर दिया, और अब इसमें डाल दे कुछ, अगर यार जैसे मसाले वो डाल देना भाई, कुछ नहीं करना चिकन में। कुछ भी मसाले पड़े हैं तो हम पूछेंगे विनोद भाई से, विनोद भाई कैसे मसाले आपके पास? गरम मसाला, कुछ भी है दे दीजिए। ये है भाई बैचलर चिकन, नथिंग टू वरी अबाउट, जो भी है डाल दो आप। चिकन मसाला, अच्छा चिकन मसाला मिल गई भाई, हैप्पी टू, वेरी नाइस। तो विनोद भाई इसको संभालो, गई ये। एंड दिस इज चिकन मसाला। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, लेकिन भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें डालनी है चीनी। चीनी बताएंगे, चीनी कहाँ से? चीनी क्यों? चीनी का एक ही फायदा दोस्त, कभी भी आपकी ग्रेवी सटेगी नहीं। अच्छा, तो क्या करेंगे? बस एक चम्मच चीनी। अब इसमें चम्मच नहीं है, हाथ उठाएंगे। इतना से लिया भाई, देख लो ये डाल दिया, खत्म। अच्छा, सब खत्म खत्म, सब खत्म खत्म। तो होगी जी, अब हम डालना भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप कभी चिकन बनाते हो तो यहाँ डालना है धनिया एंड जीरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम भाई एक चम्मच धनिया डालेंगे, गरम मसाला, एक चम्मच जीरा डालेंगे। होगी जी, नमक, नमक जी, सॉल्ट। अब इसको मिक्स करेंगे, सॉल्ट बस थोड़ी देर रुकेंगे। देखो भाई, रेड चिली, हर का एक वैल्यू होता है, जैसे आप वैल्यू देते हो ना एक एक आदमी को कॉर्पोरेट में, वैसे ही हर का एक वैल्यू होता है। जनाब धनिया डालोगे तो उसका एक वैल्यू है, जीरा डालोगे उसका एक वैल्यू है, हल्दी की वैल्यू भाई, नमक आएगी बाद में, वही तो है मेन। आएगा नमक भाई हमारा, नमक भाई अभी नहीं आ रहे, ठीक है। अब होगी बात, अब हम डाल देंगे ये रहा चिकन। चिकन आ गया, चला गया बैचलर चिकन। दिस लुक्स नाइस, एंड देन लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू बी हैपन। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, यार बहुत फ्राई हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा डालेंगे चिकन नमक। ये गई एक चम्मच, ढाई होगी, अपने हिसाब से डालना मेरे भाई, मेरा ऊपर मत जाना। अगर स्पाइसी खानी है तो लार्ज में डाल लो अपने हिसाब से, मैं तो डालूंगा ज़्यादा, कि हमारे फ्रेंड्स थोड़े ज़्यादा खाते हैं। ये गई और एक और गई, खत्म, सब खत्म खत्म। राइट आउट, इसको कम करो मेरे भाई, ऊपर ढक्कन डालो मेरे भाई,
और बिल्कुल 15 मिनट छोड़ दो, उसके बाद 5 मिनट फ्राई करना, आपकी चिकन फ्राई रेडी है। चलो बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। चलो बाय बाय, सी यू। थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लोगों को कैरी क्यों आना चाहिए। पर जनरली अगर कैरी की आप हिस्ट्री की तरफ जाएं तो कैरी लगभग 150 इयर्स ओल्ड पुराना गांव है, और यहां पे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा जो हमारे में नेचर है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे गाँव के चारों तरफ तीनों तरफ से नदियाँ हैं, और जो हमारे गाँव का सराउंडिंग्स है वो पूरा 5 किलोमीटर तक पूरा जंगल घिरा हुआ है, और डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं। इनका हमारे साथ आमना सामना डेली रूटीन का है। इवन यू टेक द एलिफेंट्स, वो हमारे खेतों पे आ जाते हैं, या डियर स्पॉटेड डियर हैं हमारे खेतों पे आके उनको आप साइट कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम भी पढ़ाई करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने इसका नाम भी मुकुल्स फॉरेस्ट फ्रंट स्टे रखा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं नेचर प्रेमी हूँ तो आने वाला समय मेरे बच्चे के लिए भी एक उसको मैं ये देना चाहता हूँ कि वो जाके नेचर से लगाव रखे, प्रेम रखे, ताकि हम नेचर को कंजर्व कर पाएँ। ये मेरा एक सपना है। और ये जो एरिया है हमारा, ये सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, जो सीतावनी फॉरेस्ट अभी जो जोन है, इस जोन में यह हमारा जो फॉरेस्ट फ्रंट स्टे है, ये बिल्कुल इसके पास में इसका एग्जिट पॉइंट है। हमारे होम स्टे के ठीक सामने से जो है बिल्कुल फॉरेस्ट स्टार्ट होता है जी। और ये हम आपको उम्मीद भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप जब भी फॉरेस्ट को फील करना चाहें, एक्सपीरियंस करना चाहें, तो आपको हम कभी गुमराह नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और क्यारी अपने आप में एक बहुत चार्मिंग विलेज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे रिवर स्ट्रीम्स हैं, जहाँ पे जानवरों के लिए पानी का पूरा संसाधन है। तो मुझे लगता है कि लोगों को वंस विजिट, मतलब विजिट करना चाहिए यहाँ पे, और ताकि लोगों को इस बात का, हम जो कह रहे हैं इस बात का उनको भी एक्सपीरियंस हो। और जो नेचर लवर लोग हैं, जो नेचर प्रेमी लोग हैं, जो कंजर्व करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, तो उनको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो यहाँ पे आके जो है उसका अनुभव कर पाएँ। क्योंकि हर जगह नेचर अब थोड़ा कम बचा है, क्योंकि इंक्रोचमेंट की बात है, या फिर यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से टूरिज्म डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उसको अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस तरीके के ऊपर हमें फोकस भी करना चाहिए, कि अगर हम जंगल को नहीं बचा पाएंगे तो कल हम, अगर हम अपने इकोनॉमी की तरफ नहीं भी जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन बड़ा संकट में हो जी जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल। इससे हमने कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम इस तरीके का जंगल फेस कर पाएँ, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आप यहाँ बर्ड्स की बात करें, आप यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, तो बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है। जो बर्ड्स लवर हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। बर्ड्स के यहाँ पे हमारे जो कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास 365 स्पीसीज यहाँ मिलती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे हमें, और रेजिडेंशियल बर्ड्स हैं, और कई पासेज में बर्ड्स आती हैं। तो जब भी जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो प्लीज़ एक बार विजिट करें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो लेके जाएंगे, और हो सकता है कि वो आगे फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू अमित जी, अगेन आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जनरली जानवरों का हमारे साथ आमना सामना होना, ये हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम किसी तरह से जानवरों के प्रति जुड़ें, हम उन्हीं से अपनी इकोनॉमी बनाएं और अपनी दिनचर्या चलाएं, और हम पर्यावरण के प्रति अपना, क्योंकि आज 5 जून है जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बोला आपने जी। तो आज मेरा भी सौभाग्य की बात है कि आज अमित जी से मैं बात, मुझे भी सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, और हम इसे मैसेज दे पा रहे हैं लोगों को, तो बहुत अच्छा। मैं बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये मतलब मेरा एक बिजनेस पॉइंट वाला फोकस नहीं है कि भाई मैं आपको बारा प्रेशर करूं कि आप क्यारी आइए, बट आप क्यारी आएंगे तो आपको इस बात का ज़रूर फील होगा कि एक्चुअली हम जो कह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पर कितना रियलिटी शो करता है।